जगदम्बा आज 6 अक्टूबर को भगवान श्री राम की भव्य बारात इस समय निकल रही है। और ये देखिए, ये विश्वोद्धार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क के वो सभी मेंबर हैं जो इस बारात में शामिल हुए हैं। ये देखिए, ये दिन रात सेवा करते हैं। ये भव्य तरीके जो रामलीला आप देखते हैं उसकी लगातार निरंतर कोशिश करते हैं और इस समय राम बारात में ये शामिल हुए हैं। और यह भी सौभाग्य की बात है कि सभी लोग राम बारात में इस समय शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त हम हैं मोनी बाबा मंदिर के वाले रोड पे और इस समय एक्स ब्लॉक शिव मंदिर पे भी यह बारात आ चुकी है लगातार। ये देखिए, घोड़े बाजे और यह प्रधान और यहाँ के सबसे एक्टिव मेंबर दिवाकर पांडे जी हैं, प्रधान प्रेमपाल ठाकुर जी हैं और सभी लोग यहाँ पे। ये देखिए, घोड़े बाजे ऐसे सभी चीज यहाँ पे हैं। और ये देखिए, टीकाराम बैंड भी इस समय है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बाहर आए हैं। ये देखिए, लोग आके इस समय राम बारात में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये देखिए, लोग गली के बाहर आए हैं घरों से इस राम बारात को देखने। ये देखिए, बैंड बाजे, लाइट, घोड़ी, डीजे सभी यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। इस समय भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की इस समय छवि आप देख सकते हैं। यह राम बारात है जिसका स्वागत भव्य तरीके से यहाँ पे श्री विश्वोद्धार रामलीला कमेटी लगातार कर रही है। और यह मोनी बाबा मंदिर का नजारा इस समय आप देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ के प्रधान ठाकुर प्रेमपाल
भगवान राम की आरती उतार रहे हैं और यही बारात अब पूरे इलाके में इस समय घूमेगी और लगातार आगे बढ़ते हुए। चेयरमैन हरीश चौधरी भी भगवान राम की, लक्ष्मण की, भरत और शत्रुघ्न की सभी की आरती उतार रहे हैं और इस समय ये देखिए अद्भुत छवि। यहाँ पे कमेटी के हर मेंबर यहाँ पे भगवान की इस रूप का यहाँ पे लगातार आरती उतार के पूजा करके सेवा कर रहा है। भगवान गणेश की इस समय आप छवि देख रहे हैं, ये देखिए बैंड बजे। भगवान राम के बारात में खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हुए हैं और ये देखिए सभी देव भगवान राम के बारात में शामिल हो रहे हैं और लगातार एक के बाद एक आप दर्शन करिए और यह अद्भुत नजारा है श्री विश्वावतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क का जो लगातार राम बारात को भव्य बना रही है। और यह देखिए हनुमान जी विराजमान है इस राम बारात में और ऐसे ही सभी चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप देखिए माँ लक्ष्मी, काली, दुर्गा और सभी यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए। और एक अद्भुत चीज भगवान राम की बारात में लंकेश भी आए हैं, ये देखिए ये लंकेश है, ये भी राम की बारात में आए हैं। प्रभु श्री राम जी के विवाह उत्सव का है। हमारी भारत संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में विवाह के उपरांत बारात निकलती है। आज हमारे प्रभु श्री राम जी की बारात निकल रही है, पूरा क्षेत्र हर्षोल्लासित है। हम सभी राम भक्त, पूरी कमेटी के लोग खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे क्षेत्रवासी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी रात कल जानकी माता के साथ उनका विवाह हुआ, आज उनकी बारात निकल रही है, बड़े हर्ष का विषय है। सभी राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी से आग्रह, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप हमारे रामलीला के पंडाल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, प्रभु श्री राम जी के चरित्र से आदर्श जीवन स्थापित करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी बनाए। ऐसे ये अयोध्या में जब राम जी आए थे तो वहाँ पर जो उत्सव मनाया गया था, ऐसा आज हमारी घोंडा विधानसभा, ब्रह्मपुरी और उस्मानपुर में उत्सव का माहौल है। बहुत ही हर्षोल्लासित हैं लोग और बड़ा ही उत्साह है लोगों के अंदर। भगवान के ऊपर दर्शन करने के लिए आतुर हैं, आरती करना चाहते हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसा मैं प्रभु से कामना करता हूँ। जय श्री राम। बिल्कुल चंद्रजीत भाई, आज जो राम बारात का जो भव्य आज दर्शन पूरी पब्लिक को हो रहा है, आज राम में पूरी कॉलोनी हो गई है, राम की बारात देख के सब गदगद हो रहे हैं।
लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और श्री राम जी की बारात को श्री राम जी की आरती करके खूब अपना आशीर्वाद ले राम जी से और उनकी आरती करे और घर से बाहर निकले और बारात में सब शरीक हो। नहीं, लोगों में उत्साह होना स्वाभाविक ही है क्योंकि 22 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 21 तारीख को जब यहाँ भगवान की स्थापना दिवस पर अयोध्या मंदिर पर शोभा यात्रा निकाली थी उसको देखते हुए लोगों में उत्साह होना स्वाभाविक ही है। लोग बाहर आ रहे हैं, अच्छी बात है, सत्य सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है रामलीला के माध्यम से, ऐसे ही लोगों में उत्साह है। नहीं, लोगों को तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि सत्य सनातन धर्म की तरफ अगर अपना भारतवर्ष बढ़ रहा है तो सभी लोगों को सभी धार्मिक अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये मोनी बाबा मंदिर से चलते हुए जाननगर उस्मानपुर होते हुए गौतमपुरी से पंडाल तक पहुंचेगी विष्णुवतार रामलीला कमेटी के। आज वहां इसके बाद दशरथ कैकेयी संवाद और आगे की लीला दिखाई जाएगी। हाँ जी, हमारी ये शोभा यात्रा बहुत अद्वितीय है और विष्णु अवतार के 24वां साल है और आज राम बारात के रूप में हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हम हर साल इसी तरह से काम करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा होगी जिससे और अच्छी राम बारात आगे चल के निकलेगी। नहीं, गुस्सा तो नहीं होना चाहिए। आज संडे के नाते आज हमने ये शोभा यात्रा निकाली है, वैसे हमारी ये शोभा यात्रा है लेकिन राम बारात का रूप हम दिए हैं, लेकिन है शोभा यात्रा ही। देखिए, ये प्रभु की कृपा है कि विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सौजन्य से जो विशाल शोभा यात्रा ये निकल रही है और उसमें लोग हर समुदाय के लोग फूल वर्षा कर रहे हैं, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि सर्वधर्म संभाव का मंच है और सभी लोग बराबर स्वागत कर रहे हैं और बड़े मन के साथ इस जुलूस में भाग ले रहे हैं। देखिए बहुत विशाल जुलूस भगवान श्री राम की बारात का निकाला जा रहा है और उसमें क्षेत्र के सभी लोग शामिल हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी समुदाय का धन्यवाद करता हूं कि इसी तरीके से आगे भी हमें सहयोग देते रहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत हर्ष का विषय है कि लोग बड़े उत्साह के साथ, जैसे हमने 22 जनवरी को प्रोग्राम करा था, आज उसी तरह हमारी शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हमें अपार खुशी है कि पूरी ब्रह्मपुरी जनता का, उस्मानपुर जनता का सहयोग मिल रहा है और लोग घरों से निकल कर भगवान राम की आरती कर रहे हैं और फूल वर्षा कर रहे हैं। पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी तरह राम में, देश राम में होना चाहिए और उनके अपार कृपा है भगवान की उनके ऊपर और ऐसी कृपा उनके बनी रहे। हम राम जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, हम यहाँ राम जी पर राम बारात देखने आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, राम बारात देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। कर रहे हैं, नहीं देखी थी, आज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा